मेरे प्यारे बच्चों, पैरा नंबर 5 की तरफ देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ, ये हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। पैरा नंबर 5 को पढ़ते हैं। ए प्ले ऑफ लोकल्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। जब लेंचो का सारा अनाज बर्बाद हो गया तो उसके बाद लेंचो खेत के बीच में खड़े होकर के अपने पुत्रों से बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट टिड्डियों का आक्रमण वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कहीं अधिक छोड़ देता। द हेल ओलो ने हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट, वह सारी रात, वाज ए सोरोफुल वन, दुख भरी रात थी। लेंचो बोला, ऑल अवर वर्क, हमारा सारा कार्य फॉर नथिंग, बेकार चला गया। देयर इज नो वन, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखों मर जाएंगे। बट लेकिन इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, उन सबके दिलों में, हु जो लोग लिव्ड रहते थे इन दैट सोलिटरी हाउस, उस एकाकी घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, जो लोग घाटी के बीच में उस एकाकी घर में रहते थे, उन सबके दिलों में एक आशा थी। देयर वाज ए सिंगल होप, एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डू नॉट बी सो अपसेट, इसलिए परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ये संपूर्ण विनाश प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ये बात लेंचो ने अपने परिवार के सदस्यों के बीच में बैठ करके सबको समझाई। याद रखना होगा कि भूखों कोई नहीं मरता है। दैट इज वॉट दे से, जैसा कि कहा गया है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल दो द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट, लेंचो विचार करता रहा, ओनली ऑफ हिज वन ऑफ, अपनी केवल एक आशा के बारे में। सारी रात लेंचो अपनी एक आशा के बारे में विचार करता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हो जाए, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरी थिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, अंतर आत्मा की गहराई को भी देखती हैं। लेंचो ने विचार किया, भगवान तो सब कुछ देखता है, आत्मा की गहराई को, आत्मा की सोच को भी देखता है। लेंचो बायन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल जैसा व्यक्ति था। वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड, वर्किंग लाइक ए एनिमल, एक जानवर की तरह काम करता था इन द फील्ड्स, खेतों में। बट लेकिन स्टिल, फिर भी, ही न्यू, है जानता था, हाउ टू राइट, लिखना। लेंचो खेत में जानवर की समान काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, दिन के निकलते समय, ही उसने विगन टू राइट, लिखना शुरू किया, ए लेटर, एक पत्र। अगले रविवार लेंचो ने दिन के निकलते समय एक पत्र लिखना शुरू किया, विच, जिस पत्र को ही वे हिमसेल वुड कैरी टू टाउन, शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह पत्र भगवान के पत्र से बिल्कुल कम नहीं था। लेंचो ने लिखा, गॉड, भगवान, इफ, अगर, यू डू नॉट हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं करोगे, हे भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखों मर जाएंगे। लेंचो ने पत्र में लिखा, हे भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों मर जाएंगे। आई नीड ए 100 पीसोस। लेंचो ने पत्र में आगे लिखा, आई, मुझे नीड, जरूरत है 100 पीसोस, 100 पीसोस की। बच्चों, अपने आप रुपया चलता है, लेकिन वहाँ पीसोस चलता है। लेंचो ने बताया, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो, सो मीन्स बुवाई करना, माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को पुनः बोने के लिए, एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, अनटिल, जब तक द क्रॉप, फसल कम्स आए, जब तक फसल आए, तब तक जीवित रहने के लिए, अपने खेतों की फिर से बुवाई करने के लिए। लेंचो ने पत्र में लिखा, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है,
बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म डॉट 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 ओलो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप, भगवान के लिए लिफाफे के ऊपर ये शब्द उसने लिख दिया, पुट रख दिया लेटर पत्र इनसाइड लिफाफे के अंदर, और लेंचू ने वो पत्र लिफाफे के अंदर रख दिया। एंड और स्टिल ट्रबल, कष्ट सहता हुआ बैन टू टाउन शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर पहुंचकर ही उसने प्लेस लगाया, एक स्टाम्प टिकट लगाया ऑन द लेटर पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट, और उसे डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स डाक डिब्बे में। जिस समय लंचो डाकघर पर पहुंचा तो उसने वहां पर एक स्टाम्प टिकट खरीदा, उसको लगाया और उस पत्र को डाक डिब्बे में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो डाकिया था, ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर की मदद भी करता था। बैन टू हिज बॉस, अपने अधिकारी के पास गया लॉफिंग, हंसता हुआ हर्टली, जोर जोर से, डाकिया जोर जोर से हंसता हुआ अपने अधिकारी के पास गया। एंड और शोर दिखाया हिम, उसे लेटर टू गॉड, भगवान वाला पत्र। डाकिया ने जाकर के पोस्ट मास्टर को भगवान वाला पत्र दिखाया और डाकिया बोला, नेवर इन हिज कैरियर, अपनी पूरी नौकरी में पोस्टमैन एक डाकिया के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी वह पता नहीं जाना भगवान कहाँ रहता है तो वो पत्र लेकर के जाए कहाँ। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमेबल फेलो, पोस्ट मास्टर एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति, ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, यह बात सुनकर वह भी हंस पड़ा। बट लेकिन ऑलमोस्ट लगभग इमिडिएटली, शीघ्र ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर पत्र को ठकठकाते हुए, टेपिंग ठकठकाते हुए कमेंटेड, उसने एक बात कही, बोला व्हाट फेथ, कैसा विश्वास, आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं इस आदमी के विश्वास को रखना चाहता हूँ, हु जिसने रोट दिस लेटर, या पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप करेस्पॉन्डेंस विद गॉड। करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र चार, पत्राचार्य करके, पत्र व्यवहार करके, पत्रों का आदान प्रदान करके, मैं उस आदमी के विश्वास को भगवान में रखना चाहता हूं। सो अतः एन आइडिया, इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान में लेखक के विश्वास को न डिगने के लिए, भगवान में लेखक के विश्वास को अडिग रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट लेकिन वेन, जब ही ओपनड इट, उसने लिफाफा खोला, इट वॉज इविडेंट, तो पत्र में इविडेंट स्पष्ट था, दैट की टू आंसर, उत्तर देने के लिए ही उसे नीडेड, आवश्यकता थी समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। गुडविल मीन्स होती सद्भावना, अच्छे विचार। इंक मीन्स स्याही, पेपर मीन्स कागज, अच्छे विचारों, स्याही और कागज से मोर समथिंग, कुछ अधिक वस्तुओं को से जरूरत थी। बट लेकिन ही वह स्टिक अडिग रहा, टू हिज रिजोल्यूशन मीन्स निर्णय, पोस्ट मास्टर अपने निर्णय पर अडिग रहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही उसने आस्क फॉर हिम, उसके लिए असंभव था टूगेदर एकत्रित करना, टूगेदर एक साथ, 100 पीसों 100 पीसों एक साथ इकट्ठा करना पोस्ट मास्टर के लिए असंभव था। सो अतः ही वह बाज एबल टू सेंड, भेज सका फार्मर किसान के लिए ओनली लिटिल मोर देन हॉप, आधे से कुछ अधिक। अतः पोस्ट मास्टर उस किसान के लिए आधे से कुछ अधिक मनी भेज सका। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने लिफाफे के अंदर धन रख दिया। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिख दिया।
एंड विद्या में लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड और पूरे पत्र को एक ही शब्द से भर दिया गॉड, पूरे पत्र को एक ही शब्द लिख करके भर दिया, वो शब्द लिखा गॉड। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार लेंचो केम, लेंचो आया ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, रोजाना की तरह कुछ जल्दी आया। टू आस्क मांगा उसने, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, स्वयं डाकिया था, हु जिसने हैंडेड दिया लेटर पत्र टू हिम लेंचो को, डाकिया ने लेंचो को पत्र प्रदान किया। वाइल जबकि पोस्टमास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति, हु हैज परफॉर्म मैने किया, गुड डीड मैने अच्छा काम, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड मैने देख रहा था, फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने कार्यालय की खिड़की से, वो पोस्ट मास्टर अपने कार्यालय की खिड़की से देख रहा था और डाकिया लेंचो को पत्र दे रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सीइंग द मनी धन देखकर लेंचो ने शोड नॉट नहीं दिखाया, स्लाइटेस्ट मीन्स विशेष, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, धन देखकर लेंचो ने कोई बहुत विशेष आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, बट लेकिन ही वह बीकेम एंग्री, नाराज हो गया, वेन जब ही काउंटेड द मनी, उसने धन गिना। प्यारे बच्चों, लेंचो ने जब धन गिना तो वह नाराज हो गया, धन देखकर वो आश्चर्य में नहीं हुआ कि भगवान ने मेरे पास धन भेज दिया है तो बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा कुछ नहीं किया उसने, क्योंकि उसका भगवान में विश्वास था। लेकिन जब उसने धन गिना तो वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेक ए मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और लेंचो के निवेदन के अनुसार भगवान ने मना भी नहीं किया होगा। इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो बेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया, आस्क फॉर पेपर एंड इंक, स्याही और कागज मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, आम मेज पर बैठकर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मस्ट रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौं में गुस्से की गांठें मारकर, केड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, हर तरह से वह अपने विचार व्यक्त करने लगा उस पत्र में। वेन जब ही फिनिश्ड, उसने वो पत्र लिखना समाप्त कर दिया। ही बेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टू बाई स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदा, विच जिसे ही उसने लिक्ड चिपका दिया, एंड और देन तब अफेक्स ठोंक दिया टू द एनवलप, लिफाफे के ऊपर, विद ए बिलो ऑफ ही फिस्ट, अपनी कलाई की मुट्ठी से, उसने उस टिकट को अपनी कलाई की मुट्ठी से ठोंक दिया। द मोमेंट, एक ही क्षण बाद, द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, उसने वह पत्र डाक डिब्बे में डाला। पोस्ट मास्टर बेन टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया और उसने वह पत्र खोला। इट सेड, उस पत्र में लिखा हुआ था गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी, धन का शेष भाग, आई आस्क फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 pieces रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 pieces पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, द रेस्ट मैंने बाकी का धन, सेंड मी, मेरे पास भेज दो, सिंस, चूंकि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत अधिक जरूरत है, बट लेकिन, डू नॉट सेंड इट, इसे मत भेजना टू मी, मेरे लिए, दो द मेल, डाक द्वारा। एक बात और उसने पत्र में लिखी, हे प्रभु, इस धन को मेरे पास डाक द्वारा मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, डाकघर के जो कर्मचारी है, बंच ऑफ कुरुक्स, बेईमानों का झुंड है, और नीचे अपना उसने साइन कर दिया लेंचो। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है बच्चों, इंतजार करें आप अगले चैप्टर, आपका थर्ड चैप्टर है द गंगा, इसके राइटर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। द गंगा चैप्टर आपको अगले बुलेटिन में पढ़ाएंगे और दर्शाएंगे, अच्छे से पढ़ना। कहा फॉर मनी, धन के लिए।